हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन मून ब्लैक 2। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ओपेलिसिट सिटी, आई गेस ये सिटी का नाम ओपेलिसिट सिटी नाम था, आई डोंट नो, मैं भूल गया। बहुत दिनों पहले वीडियो डाली थी मैंने, सो आई नो मैंने बहुत दिनों पहले वीडियो डाली थी, आई गेस 12-13 दिन हो चुके लास्ट वीडियो को आके। सो एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार हो गया था, एंड गुड न्यूज़ इज़ कि अभी मैं ठीक हो चुका हूँ। सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, काइंड ऑफ छोटा सा ब्रेक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एंड मैंने टीम में चेंजेस भी कर लिए, बिकॉज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दिन थे, सो मैंने टीम में चेंजेस कर लिए और मैंने उनके साथ ट्रेनिंग कर ली है। हमने टीम में गार्चोम को ऐड कर दिया है, एक हाई ड्रैगन को ऐड कर दिया है, एक वेपोरियन को और एक स्लोब्रो को ऐड कर दिया है। बाकी दो पोकेमोन पुराने पोकेमोन हैं, सो हाँ, और सबके लेवल अराउंड 64-63 है। तो अभी हम लोग हमारे इस गेम के आई गेस आखिरी जिम बैच को चैलेंज करने के लिए जाएंगे। उसके लिए हम लोगों को जाना है ह्यूमिला सिटी, लेकिन ह्यूमिला सिटी को जाने के लिए हम लोगों को पहले अंडेला टाउन जाना पड़ेगा। वहाँ से हम लोग अंडरग्राउंड पाथ या फिर काइंड ऑफ एक आई डोंट नो इसको कहते क्या है, यहाँ पे रात हो चुकी है, सो मोस्ट प्रॉब्ली मैं बहुत जल्दी सुबह कर दूंगा। ये जगह का नाम क्या है, मरीन ट्यूब। ओके, तो हम लोग मरीन ट्यूब का यूज़ करके अभी जाएंगे ह्यूमिला सिटी। यहाँ पे यू कैन यूज़ द पोकी राइड, बिकॉज ऑब्वियसली पोकी राइड विल हेल्प मी टू ट्रेवल फास्ट। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख ही सकते हो पूरी रात हो चुकी है, यहाँ पे कुछ पोकीमोन्स भी है जो कि ठीक ठाक ही लग रहे हैं मुझे। ओके, एंड आई गेस हम लोग पहुँच चुके हैं ह्यूमिला सिटी, आई गेस सो। जी हाँ गाइस, हम लोग ह्यूमिला सिटी पहुँच चुके हैं। ये रहा ग्लैडियन, इससे बात करेंगे। वी विल गेट द डीएनए स्लाइसेस बैक फॉर श्योर, सो यू शुड फोकस ऑन डिफीटिंग द जिम लीडर फर्स्ट। ये रहा जिम, आई गेस यही है जिम। चलो इसको फिर, इसको भी हरा देंगे, कोई बात नहीं। मेरे पोकीमोन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेवल आई गेस मैंने करके रखा है, सो बेटर होगा कि मैं और ट्रेनिंग ना करूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जिम लीडर, शी वेंट स्विमिंग ऑफ इन टू द ओशन येलिंग अबाउट द सी, प्लीज़ लुक फॉर हर इफ़ यू वुड लाइक। ओके, तो मेरे को पहले अभी जिम लीडर को फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले काम कर लेते हैं। लेट मी जस्ट हील माई पोकीमॉन हियर, बिकॉज अगर फिर पता है, आपको पता ही होगा कि अगर मैं कोई न्यू सिटी में जाके पोकीमॉन हील करूँगा, सो अगर मैं कहीं पर भी फेंट हो जाता हूँ, आई मीन मेरे पोकीमॉन फेंट हो जाते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। ये तो मैं काइंड ऑफ ऐसे एक ऐसे ही एक टाइम पास के लिए कर रहा था। अभी हम लोग ढूंढेंगे जिम लीडर को, जो कि आई गेस इधर ही किधर होगा, होगा कि होगी वो भी नहीं मुझे पता। ये कौन है अभी? अलोला, यू मस्ट बी हियर टू चैलेंज द पोकेमोन जिम, आई एम द जिम लीडर लाना। ओ, ये तो वो आई गेस अलोला वाली है। अच्छा हाँ, ये गेम ही अलोला के ऊपर बेस है। सॉरी टू मेक यू लुक फॉर मी, आई वॉज स्विमिंग विद द पोकेमोन एंड इट फेल्ट रियली गुड, सो आई केप्ट गोइंग एंड गोइंग, आई विल बी वेटिंग इन द जिम। ओके, सो बेसिकली ये एक वाटर टाइप जिम होने वाला है, एंड गेस वॉट, मेरी टीम में कोई भी ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है, सो दिस जिम इज़ गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग, बट गेस वॉट, आई डोंट केयर, मैं हरा दूंगा, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है गाइज। लेट सी, इसमें पजल्स वगैरह हो सकते हैं, इनको पहले हराएंगे ऑब्वियसली। एक वाटर एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, गेस व्हाट, आई हैव अर्थक्वेक। एम्पोलियन के लिए भी अर्थक्वेक सुपर इफेक्टिव होगा, बिकॉज वो एक वाटर एंड स्टील टाइप है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। काबुटॉप्स के लिए भी गेस व्हाट, ये भी आई गेस ये वाटर एंड रॉक टाइप होता है, सो रॉक इज ऑल्सो वीक अगेंस्ट ग्राउंड टाइप मूव्स। ओके, अभी क्या कर रहे हैं? दिस वॉज ईजी। आई गेस मेरा काम हो गया यहाँ से, चलो सही है। अभी कहाँ पे जाना है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पे ट्राई करेंगे। आई
आई गेस इससे बैटल कर ही लेता हूँ। चार पोकेमोन, वेट आई विल यूज ड्रैगन क्लॉ, सेल स्मैश, ओके। अरे आइस भी मारता है इस पोकेमोन को, डैम। हाँ मेरी टीम आई नो वीक हो जाएगी बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन है एंड अगर ये लोगों ने विश विश क्या यूज़ कर रही है। अच्छा विश किसी के भी किसी को भी लग सकती है, आई सी। लेट्स एंड दिस पोकेमॉन विद ऑरा स्पीयर, खत्म, एक नंबर। ओ स्लो ब्रो आ रहा है, कोई नहीं इसी को रखेंगे, हमारे पास शेडो बॉल भी है। बट गेस व्हाट, स्लो ब्रो का स्पेशल डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड गाइस भूलो मत ये हमारा मेगा लुकारियो है, तो अगर एक मेगा लुकारियो का स्पेशल अटैक स्लो ब्रो को हरा नहीं पा रहा है, सो उसको हराने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। आई डोंट नो मैं सही जा भी रहा हूँ कि नहीं, आई गेस मैं सही जा रहा हूँ। ओके मैं पहुंच गया, वेट लेट मी हील माय पोकेमोन फर्स्ट। पीपी ओ रिवाइव है मेरे पास, 15 है, ओके। गार्चोम हील हो जा एंड अभी हम लोग हील करेंगे मेरे बाकी, वेट फुल हील से मैं पहले इसको हील कर लेता हूँ, बाकी को हील कर लेते हैं। और अभी हाइपर पोशन से फट से हील कर रहा हूँ यार मैं इसको। ओके वी आर गुड टू गो, चलो देखते हैं। अलोला हियर ऑलरेडी, हाँ यू लुक स्ट्रॉन्ग, ऑल राइट लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन होने वाले हैं। ओके क्लॉइस्टर, इसके लिए आई गेस मुझे पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर ये पोकेमॉन के पास आइस टाइप कोई मूव होने वाला है जो कि मेरे पोकेमॉन को ले डूब सकता है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं पोकेमॉन चेंज कर लूँ। देखा आइस भी रेडी था, देखा पता चल जाता है गाइस। लेट मी ट्राई ऑरा स्पीयर, पता नहीं काम कर जाए। ओके डिसेंट डैमेज दिया, एक विशी वाशी आ रहा है। ओके विशी वाशी के लिए आई गेस आई विल यूज इसी को रखेंगे। ओके लेट मी यूज ऑरा स्फीयर अगेन। ओके ये काफ़ी ज़्यादा ओके लुकारियो फेंटेड, फ्लाइगन आई चूज यू। ठीक है इतना कम डैमेज दे रहे हैं, आर यू सीरियस, ये पोकेमॉन क्या है, ये क्या चीज़ है। ड्रैगन रश करके देखते हैं। ओके फाइनली एक फेरालीगेटर, ओके गेस व्हाट, गेस व्हाट, फेरालीगेटर इज इलेक्ट्रिक टाइप, सो वी विल यूज ये गलत बात है, गार्चोम को फेंड नहीं होना चाहिए, वो एक ड्रैगन टाइप है, वो वाटर टाइप को रेजिस्ट करना चाहिए, मतलब रेजिस्ट नहीं बट एटलीस्ट डैमेज कम होना चाहिए था, ये तो उल्टा ही हो रहा है। रुको आई नीड टू यूज़ माई रिवाइव्स, मैंने सोचा तो नहीं था लेकिन मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। आई गेस बारिश हो रही है दैट्स व्हाई, हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाइपर पोशन से हम लोग गार्चोम को हील कर लेंगे।
जब तक ये वाटर टाइप हमले यूज़ करते रहेगा इट डजेंट मैटर, मेरे बाकी पोकेमोन को हील कर लूँगा लाइक बाकी। तेरे हाइड्रो पम्प ख़त्म नहीं होते क्या? कितने हैं तेरे पास? ये पोकेमोन पागल हो गया है गाइस। ओके नाउ ही इज यूजिंग स्ट्रगल, आई गेस उसके खत्म हो गए मूव्स। अभी हम लोग हाइपर पोशन यूज करेंगे बाकी के ऊपर एंड इसी के साथ हमारे सारे पोकेमोन, आई गेस उसके पोकेमोन के मूव खत्म हो गए हैं। सो इट्स गुड टाइम टू स्विच। वो भी सुपर इफेक्टिव, वाओ। ये क्या हुआ, वो खुद ही फेंट हो गया। प्री मरियन आ रही है एक, वो तो फेरी टाइप होती है आई नो, बट इस गेम में फेरी टाइप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ट्रस्ट मी फेरी टाइप एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हुआ गाइज, वो सही में लाइक इवन दो फेरी टाइप इस गेम में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम लोग किसी फेरी टाइप पोकेमोन को ड्रैगन टाइप से हिट करने जाएंगे तो वो हिट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। बट आई विल यूज़ हाइपर वॉइस एंड एज ऑलवेज इस पोकेमोन के पास आइस बीम है। ये मैं जानबूझ के ऐसे करता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता। इसके पास था पोकेमोन के पास ये मूव, डैम मुझे नहीं पता था। प्लीज़ ब्रो प्लीज़ ख़त्म कर दे इसको, प्लीज़ स्लो ब्रो, आई नो यू कैन डू इट। तेरे को हील कर लूँगा, तेरे को मरने नहीं दूंगा ब्रो, यू आर माई ओनली होप इन दिस बैटल। एक तो पता नहीं क्या सोच कर मैं टीम बनाता हूँ, ये भाई कितने बार सोएगी, दिस इज चीटिंग। ये क्या है, ये तीसरी बार सो रही है और इसकी एबिलिटी क्या है, हाइड्रेशन जिससे उड़ जाती है, लड़ में आ रही है तो। ओके फाइनली पैरालाइज हो गई। सो ये क्या है हाइड्रेशन, अबे ये तो हर बार रिपीट कर रही है यार, इसका नखरा कितना है। बेसिकली वो अनकिलेबल है वो, अभी देखो फिर से रेस्ट यूज करेगी वो, नहीं फाइनली उसने साइकिक यूज़ करने का डिसीजन लिया, बट बहुत हुआ इसका, अभी इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। अगर अभी तो सोई ना वो, तेरा आखिरी सो नींद होगी। नहीं नहीं चलो एटलीस्ट प्री मरीना को आउटस्पेड कर दिया। क्लॉइस्टर आ रहा है, इसी को यूज़ करेंगे। क्लॉइस्टर के सामने वी विल यूज़ अर्थक्वेक। ओह गेस व्हाट, हमारा पोकेमॉन हमेशा मेरे पोकेमॉन के सामने क्रिटिकल हिट लगने पड़ते हैं, क्या नसीब लेके आया हूँ यार मैं। कोई ना एक्सट्रीम स्पीड, ना मेरे को नहीं सिखाना एक्सट्रीम स्पीड, गिव अप ऑन एक्सट्रीम स्पीड। यू डोंट जस्ट लुक स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग फॉर रियल। कांट बिलीव आई वॉज स्वेप्ट अवे, ओ माय आई वॉज सो सरप्राइज दैट आई फॉरगॉट आई हैव टू गिव यू दिस। ओके हमारा ये फाइनल लीग का बैच है, सो ऑफिशियली हम लोगों ने सारे जिम बैजेस क्लिक कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग, मतलब मैं एपिसोड को एंड नहीं कर रहा ऑब्वियसली, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लीग को चैलेंज करेंगे। लीग आई गेस पहले विक्ट्री रोड करेंगे, फिर लीग को चैलेंज करके इस गेम को ख़त्म कर देंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो टायर्ड ऑफ दिस गेम, मेरे को इस गेम को ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी। नाउ यू गॉट ऑल द 8 बैजेस सो यू कैन बी टाइट विद एनी पोकेमॉन। ओ या यू गॉट TM फॉर यू, स्कार्ड है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे आई गेस स्लोब्रो को आता है ये मूव, मुझे पता है ये सब क्या हो करता है। ये फिर से भाग गई, ओके मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। इवन दो ये बैटल थोड़ी सी स्ट्रेच हुई, क्या करें, वो प्री मरीना, अरे हाइड्रेशन एबिलिटी कमाल की है यार, मतलब लिटरली इट्स लाइक कोई स्टेटस प्रॉब्लम अपने पोकेमोन को होगा ही नहीं, और अगर उसमें रेस्ट वगैरह सिखा दो फिर तो सही है। इट्स लाइक शेड स्किन, कुछ कुछ पोकेमोन्स की होती है ना एबिलिटी वैसे। यू गॉट ऑल द बैजेस, यू आर रियली समथिंग।
यूजुअली यू वुड गो टू पोकेमोन लीग नाउ, बट डीलिंग विद टीम स्कल कम्स फर्स्ट. ओके ठीक है, अब ये यहाँ से आ गई है लोला. व्हाट्स दिस टीम स्कल यू आर टॉकिंग अबाउट? टीम स्कल डज थिंग्स लाइक स्टील माई सिस्टर्स, आई मीन पीपल्स पोकेमोन. ओके, दे प्लान ऑन कॉन्करिंग द यूनोवा बाई यूजिंग पोकेमोन टू फ्रीज इट सॉलिड. दे आर रियली ईविल. हैवंट यू हर्ड ऑफ देम लाना? आई फील लाइक आई रिमेंबर. When the ocean's your home, you don't worry about things like that. Cause the ocean accepts all the rivers. So you think Team Skull's bad? Then, obviously, I get it. They are bad. So you fight them, okay? But first, you got to say that in your own words. When you do, अरे क्या पका रही है यार? जल्दी से point पे आना. Well then, अरे चली गई वो. Man, I don't know if that she is laid back or just irresponsible. अरे मेरे को तो लगता ही नहीं वो responsible है. That kind's got me down. Okay, but our opponent is Team Skull. We have to focus, but before that we have to find where they are. Okay, we will split up. Okay, you check the route 22. Got it. ठीक है, पहले मेरे को Pokemon heal करने थे bro. I know तू अपने बहन के Pokemon के लिए काफी desperate है, but first I will heal my Pokemon and then I will go check Route 22. एक तो मैंने क्या फुद्दू जैसी टीम बना के रखी है यार, सारे के सारे ड्रैगन टाइप ऐड कर दिए. पता नहीं क्यों, मेरे पास ज़्यादा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते, कुछ नहीं. क्या हुआ, किसी ने रोका? नहीं, यही है क्या Route 22? आई डोंट नो. ओ दिस इज अ न्यू प्लेस, आई सी. हे वेट, मैंने ये चेक नहीं किया, यहाँ से हम लोग इधर भी जा सकते हैं. ओके, रूट 22 पे आ चुके हैं गाइस. हम लोगों ने एक बैटल अवॉइड कर दी. वेट, लेट मी यूज माय रिपेल्स बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब बाय वाइल्ड पोकेमॉन्स. मैक्स रिपेल. ओके, आई स्टिल हैव 34 लेफ्ट. ओके, नाउ 33. कोई है मुझे बताएगा कहाँ पे है ये चोर लोग? मैं तेरे पीछे से जाऊंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा. ओ ये कोई तो है, आई गेस पोकेमोन है, पता नहीं. ये देखो कॉलरस आ गया. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. निहिलिगो इज एन अल्ट्रा बीस्ट फ्रॉम अलोला. वाई आर वोमल्स अपेयरिंग यूनोवा? दिस इज अ प्रूफ यूनोवा इज चेंजिंग. ओके, इट सीम्स लाइक दैट निहिलिगो हैज पिक्ड अप द सेंट ऑफ अ डेंजर दैट inmates from the team skull. Okay, it's probably seeking a Pokemon trainer who has the strength to stand up to them. Okay, it's very interesting indeed that Nihilego appeared before you. That aside, do you plan to confront Team Skull? Yes, I see. If that's the case, you must have the power to protect your own Pokemon. Being protected by Pokemon alone doesn't make you a trainer. इट्स बिकॉज ट्रेनर्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे केयर अबाउट देयर पोकेमॉन. अरे ये हमेशा भाषण देता रहता है. इसने क्या ये फ़ोन क्या दिया है? कॉलरस मशीनों की है. दिस इज अ प्रोटोटाइप ऑफ माई डिवाइस दैट रिकग्नाइज क्या एनर्जाइज पोकेमॉन. ओके, इट डजेंट वर्क ऑन बैटलिंग पोकेमॉन बट यू मे फाइंड इट यूजफुल फॉर समथिंग. ओके, वेल देन आई विश यू एंड योर पोकेमॉन सेफ्टी. नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, In the seaside cave on Route 21, I saw something that reminded me of when we met on Route 4. Okay. ये पागल है यार, इसको मैं, ये तेरे को मैं पकड़ू कि नहीं पकड़ू? मेरे को नहीं पकड़ना तेरे को. I'm not interested. ओ ये केव कहाँ पे जाती है? Giant chasm. Okay, how long does wait until everyone else arrives mean exactly? Okay, ye log jaane nahi denge mere ko. Koi na, hey bhai main jaau kahan se? Okay, I guess
अगर मैं यहाँ से नीचे से जाऊँ, आई होप तू मुझे नहीं देखेगी। ओके तूने नहीं देखा। पॉइजन बार बुकी है। अब रूट 21 पे जाना है मुझे, ऐसा कुछ तो बोल रहा था ना। ओके लेट मी चेक माई टाउन मैप रियली क्विक। जूम किससे होता था? ओके सेलेक्ट से। रूट 21 कहाँ पे है? भाई ओ यहाँ पे ही है, सी साइड की। ओके ऊपर वाली जगह ओके है, या फिर यू मिलाओ की नीचे वाली जगह। तो आई गेस हम लोगों को फिर से यू मिलाओ जाना पड़ेगा। सो लेट जस्ट यूज़ माई फ्लाई। आई होप यही है बिकॉज उसने बात की थी ऐसे। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। है ना गाइज, मुझे पता ना आप लोगों को निहिली को कैसा पोकेमॉन लगता है। आई मीन मुझे उसको ये बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता। फॉर मी ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल पोकेमॉन। आई नो ही इज़ अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन जो भी है वो, बट स्टिल। रूट 21 हियर आई कम। आई डोंट नो मैं सही जा भी रहा हूँ कि नहीं। एक एम्पोलियन। गेस व्हाट, अर्थक्वेक विल डील विद दिस। ब्लास्टोइस के लिए मेरे को टीम में चेंजेस करने पड़ेंगे यार। टीम बैलेंस नहीं है, ज़रा भी बैलेंस नहीं है। पता नहीं क्या सोच के मैंने ये टीम बनाई है। स्टिल ओके, फिलहाल के लिए तो इसी टीम को रखेंगे। देखते हैं स्कार्ल कितना डैमेज देगा। आई नो एक वाटर टाइप मूव है लेकिन सही है, काफ़ी ज़्यादा दिया डैमेज। और बढ़ा ले, ख़त्म कर दे, अपना डिफेंस ही बढ़ा दे ब्रो। इससे ज़्यादा तो स्कार डैमेज दे देगा बिकॉज बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल अटैकिंग मूव। ग्रेनिंजा भी है तेरे पास, आई सी। वेल इफ़ यू हैव ग्रेनिंजा देन आई विल यूज़ माई मेगा लुकारियो। ओके हरा दिया काफ़ी इजीली। देखो फिलहाल के लिए आई गेस मैं एपिसोड को एंड करूँगा बिकॉज आई रियली डोंट नो मुझे जाना कहाँ। ए भाई इसके नज़र इतने दूर तक है, वाह। एक वेल मरो के ख़त्म करो यार इसको जल्दी से। वे लॉर्ड ओके, ये पोकेमॉन काफ़ी बड़ा होता है, बहुत मतलब बहुत बड़ा होता है। बट डैट डजेंट मीन कि बस साइज़ में बड़ा है तो ताकत में भी बड़ा है। एक गारचोम से हार गया। लेकिन हाँ गाइज आज के एपिसोड में यही पेंड कर रहा हूँ। मुझे बताना अगले एपिसोड में मुझे कहाँ पे जाना है बिकॉज अभी तक मुझे समझ में नहीं आया मुझे कहाँ पे जाना है। कॉलरस कुछ बोला तो था रूट 21 के बारे में, या फिर मुझे बताना मुझे एक्चुअली अभी जाना कहाँ पे है अगर आपको पता रहेगा तो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई एम सॉरी मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी लेकिन आई होप कि मैं अभी रेगुलर हो जाऊँगा। ओके इस गेम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, डोंट वरी। बाय, टेक केयर।